एवरीवन, मैं सब डॉक्टर मेघा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेघा हेल्थ टिप्स एंड केयर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कई प्रेग्नेंट लेडीज जिनके दिमाग में अक्सर ये सवाल चलता रहता है कि अब हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सर्जेरियन सेक्शन से, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कुछ मैटरनल कॉजेस, यानी मदर के ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से सर्जेरियन सेक्शन करना जरूरी हो जाता है, और कुछ फीटल कॉजेस यानी कि बच्चों के ऐसे कौन से कारण हैं जिनके वजह से सर्जेरियन सेक्शन करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मैटरनल कॉजेस के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडी को सर्वाइकल कैंसर है, यानी सर्विक्स का कैंसर है, वो पार्ट जहाँ से बेबी बाहर आता है, अगर लेडी को उस पार्ट का कैंसर है तो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। सेकेंडली, अगर लेडीज के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई मास या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में भी बेबी नॉर्मली डिलीवरी नहीं कर पाता है। तीसरे कारण है, अगर मदर को कोई कंजेनिटल या कोई हार्ट डिजीज है या कोई लंग डिजीज है, ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। जैसे पहले डिलीवरी नॉर्मली नहीं हुई है, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा की गई है, तो इन दैट केस सेकेंड डिलीवरी भी सिजेरियन सेक्शन से ही होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन और फर्दर जो डिलीवरी होने वाली है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो अगर काफ़ी कम है, बेसिकली हम 3 साल का डिफरेंस मान के चलते हैं कि हर बेबी में लगभग 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तो अगर इन दैट केस 3 साल का डिफरेंस नहीं है, उससे कम समय का डिफरेंस है, तो जो स्कार्स होते हैं, यानी जो निशान जहाँ पर हमने सिजेरियन सेक्शन किया था, वहाँ के जो घाव या निशान जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाते, यानी वो घाव भर नहीं पाते, तो अगर ऐसे केसेस में फिर डिलीवरी करते हैं तो लॉट ऑफ प्रेशर बियर करना पड़ता है, तो उस केस में स्कार डेहिसेंस होने के चांसेस होते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो सिजेरियन सेक्शन को ही हम ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेल्विक डिफॉर्मिटी की। पेल्विक डिफॉर्मिटी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं पोलियो का। पेल्विस यानी कि जो फीमेल का जेनिटल वाला ऑर्गन है, पूरा फुल पार्ट जो है उसे हम पेल्विक ऑर्गन कहते हैं। अगर वो जो पेल्विक ऑर्गन है वो पर्टिकुलरली शेप में नहीं है, उसमें कुछ परेशानी है, जैसे कि पोलियो के पेशेंट्स में अक्सर देखी जाती है, तो इन दैट केस सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जिसे हम आफ्टर बर्थ भी कहते हैं, वो जो बेबी के बर्थ के बाद जो पार्ट पूरा बाहर निकल जाता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे बेबी का बेड भी कहा जाता है। अगर वो प्लेसेंटा एबनॉर्मली तरीके से, एबनॉर्मल पोजिशन या एबनॉर्मल है, तो इन दैट केस वी हैव टू डू सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट इज अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, यानी कि अगर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो अगर फेल हो जाए, तो इन दैट केस वी हैव टू डू द सिजेरियन सेक्शन। देन अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो गया हो, प्लेसेंटा बहुत हैवीली ब्लीड कर रहे हो, मींस बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है कि नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल ही नहीं है, इन दैट केस वी हैव टू डू द सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें कि मदर जो है, मदर की डेथ हो गई है एंड स्टिल द फीटस हार्ट बीट्स आर गोइंग ऑन, यानी कि मदर नहीं है जिंदा लेकिन बच्चे की हार्ट बीट स्टिल चल रही है, तो फिर उस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं करा सकते, सो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवरी कराई जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू द फीटल इंडिकेशंस, यानी कि बच्चों के द्वारा ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके कारण सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है। बेबी नॉर्मली हेड के द्वारा बाहर आता है, अगर वो हेड की पोजीशन से बाहर ना आए, इसके अलावा अगर वो फेस से, उसके ब्रो वाले पार्ट से, या इस तरीके से बेबी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, या फिर उसकी कॉर्ड एंटेंगल्ड हो गई है नेक के अराउंड, तो इन दैट केसेस इनको हम मालप्रेजेंटेशंस बोल देते हैं। अगर बेबी इस तरीके से बाहर आता है तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। यदि फीटस को कोई डिस्ट्रेस हो रहा है, इंटरनली उसको कुछ डिस्ट्रेस फील हो रहा है, या पैटर्न्स एबनॉर्मल होने लग गए हों, तो भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है। अगर कोई कंजेनिटल एनोमली है, कंजेनिटल एनोमली का मतलब होता है बाय बर्थ अगर बेबी एबनॉर्मल है, यानी कुछ उसके एक्स्ट्रा हाथ या पैर है, या कुछ एबनॉर्मल बॉडी शेप है उसकी, तो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू डू सिजेरियन सेक्शन। समटाइम्स कुछ मदर्स इतनी ज़्यादा वरिड हो जाती हैं अपनी डिलीवरी, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, वो
इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, तो दे जस्ट थिंक कि हम नॉर्मली बच्चे को डिलीवर नहीं करवा पाएंगे, तो ऑन डिमांड वो खुद बोलती हैं कि सी सेक्शन से आप बेबी को डिलीवर कर दीजिए। सेकेंडली, लाइफ स्टाइल इतना बदल चुका है, जो एज होती है प्रेगनेंट लेडी की, जो एज प्रेगनेंसी की एज ज़्यादा होने की वजह से भी कभी कभी सी सेक्शन करना पड़ सकता है। एंड अदर देन दैट पीपल्स आर सो मच वर्ड अबाउट देयर फैमिली साइज, सो उनको रिस्क नहीं लेना होता है, वो रिस्क नहीं उठाना चाहते, इसीलिए भी वो सी सेक्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, नाउ आपके माइंड में एक क्लियर इमेज हो गई होगी कि किन किन कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि मैं जो भी आपको डाटा या जो भी चीज़ें देती हूँ, ये बहुत ही हायर बुक्स एंड काफी रिसर्च के बाद बनाया हुआ डाटा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्कार।